देश के कई हिस्सों में अभी बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। भारत में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है और NCR में भी इसका काफी असर देखने को मिलता है। कुछ ही देर की बारिश सड़कों को तालाब में तब्दील कर देती है और कई अंडरपास बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई गाड़ी उसके अंदर ना फंस जाए। एक ओर बरसात अपने साथ मुसीबतें लाती है तो दूसरी ओर लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। बरसात में मस्ती करना सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि जल भराव या दूषित पानी में जाने से आपको एक गंभीर बीमारी हो सकती है जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। गाजियाबाद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी ने इस बीमारी के बारे में हमें विस्तार से समझाया। उनके पास मानसून में इस प्रकार के कई मरीज आते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस बारिश के मौसम में जल भराव के कारण पनपने वाली सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। यह बीमारी लेप्टोस्पायरा नामक बैक्टीरिया के कारण फैलती है। देखिए, अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है उससे वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ मक्खी, मच्छर और ये जितने भी कीटाणु हैं ये बाहर आ जाते हैं। और जब पानी सड़कों पर होता है तो एक और कीटाणु होता है जो लेप्टोस्पायरोसिस करता है, लेप्टोस्पायरा उसको बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। वो सब बाहर आ जाते हैं और वो हमारे अंदर हर तरह की बीमारी कर सकते हैं, जैसे हेजा हो जाता है, उल्टी दस्त को हेजा बोलते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस A, B, C, और जो खाने की चीज़ें हैं उनसे हमें हमारा लीवर डैमेज हो सकता है और हमारे हार्ट के ऊपर भी उसका असर होता है, वो क्योंकि उसमें कुछ टॉक्सिन्स हैं वो खून में जाके हार्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं, हार्ट की झिल्ली पे इफ़ेक्ट करते हैं, फेफड़े की झिल्ली पे इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर डेंगू होता है तो वो हमारे प्लेटलेट एकदम डाउन कर लेता है और उसको हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, हम नाक से खून आने लगता है, हमारे मुंह से खून आने लगता है। इस तरह की बीमारियां इन दिनों में आती हैं। उसके लिए अगर हम ये सावधानी रखें कि मक्खी, मच्छर और इन सब चीज़ों से अगर दूर रखने का कोई उपाय हो तो अगर दूर हम रहते हैं तो इन बीमारियों से बच सकते। अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि यह बीमारी संक्रमित जानवर जैसे चूहे के मल मूत्र, दूषित पानी और दूषित खान पान के संपर्क में आने से इंसान तक पहुंचती है। यह बैक्टीरिया मुंह, आंखें और नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। यह बैक्टीरिया वहीं पर पनपता है जहां साफ सफाई नहीं होती और गंदगी फैली होती है। अगर आप बरसाती मौसम में एडवेंचर मूड में आ जाते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वाटर एक्टिविटीज जैसे राफ्टिंग, स्विमिंग और पूल पार्टी करते समय सावधान रहें और अच्छी तरह से इंजॉय करें। संक्रमण होने पर पहले कुछ दिनों में सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन गंभीर लक्षणों में आँखों में खुजली, पेशाब करने में दिक्कत, उल्टी, दस्त और मांसपेशियों में तेज दर्द शामिल हैं। जो इस तरह के लोग हैं वो ये ध्यान रखें कि उबला हुआ खाना खाएं, वो बाहर खाएं या घर पे खाएं, इवन पानी भी अगर वो पीते हैं तो उबला हुआ पानी उनको पीना चाहिए। उबाल के पानी अगर हम पिएंगे तो उसमें कीटाणु हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो वो सेफ वाटर माना जाता है। सेम बात खाने की है कि कोई कच्चा खाना ना खाएं। अगर कोई भी कच्चा खाना खाते हैं, हम जैसे कुछ चाट पकौड़ी खाते हैं, कुछ दही बल्ले खाते हैं, वो जो चीज़ें खाते हैं उनसे इस तरह की दिक्कतें जो अभी मैंने बताई, उल्टी दस्त, हेजा वगैरह, उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। और ख़ासकर हम ये देखें कि अगर हम जिस दुकान से खाना खा रहे हैं तो हमारे सामान के ऊपर कोई जाली वगैरह है कि नहीं है, या उसको साफ सुथरा तरीके से कवर करके रखा गया है, तो ऐसी जगह ही खाना खाएं, कोई ओपन स्टॉल पे इस तरीके से खाने को ना खाएं। अगर आपको इन लक्षणों का अनुभव हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं। मानसून का मौसम एक ओर जहां हमें तरोताजा करता है, वहीं दूसरी ओर यह कई बीमारियों का खतरा भी लाता है, इसलिए सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। गाजियाबाद से विशाल झा की रिपोर्ट।